करेरा विधानसभा के ग्रामीण ब्लॉक के ग्राम नया मोहल्ला में आदिवासी बस्ती में करेरा कांग्रेस के भारत यात्रा के संयोजक राम रूप महदोरिया के नेतृत्व में आदिवासियों को फल वितरण कर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। साथ ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण के नेतृत्व में गांधी चौपाल का भी आयोजन किया गया। उनके साथ करेरा ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष वीर सिंह गुर्जर, भारत यात्रा के ब्लॉक संयोजक राम रूप महदोरिया, कांग्रेस जिला महासचिव श्याम सुंदर गुप्ता, एडवोकेट अश्विनी शर्मा, एडवोकेट नवाब सिंह बेसले, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अतुल उपाध्याय, पूर्व सरपंच प्रभुराम, आदिवासी राम सिंह जाटव आदि उपस्थित रहे। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज माननीय कमलनाथ जी का जो जन्मदिन है, हमको पता था 18 नवंबर को माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हम लगभग 4 महीने से पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और हमने एक कार्यक्रम शुभारंभ किया था, गांव-गांव जाकर, हर जगह जाकर, अपने लोगों के बीच में। और एक ही बात हम पूछते हैं, क्या 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आना चाहिए? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अभी तक हमारे पास 5,000 लोगों का एक वचन पत्र, जिसको हम माननीय कमलनाथ जी के सामने करेरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से प्रस्तुत करेंगे। हमारा नेता हमारे प्रति उत्तरदायी है, हमारा भी कर्तव्य बनता है हम अपने नेता के प्रति उत्तरदायी रहे। तो हमने एक योजना चलाई है अपने लोगों के बीच में कि हम एक प्रण में, एक वचन थे कि हम 2023 में यहां से कांग्रेस का विधायक बना के देंगे। माननीय कमलनाथ जी उसके लिए सर्वे करवाते हैं, आप लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता से समझा जाएगा, आप लोगों की जो भावनाएं होंगी उसी को टिकट दिया जाएगा, जो जनता की भावनाएं होंगी। माननीय कमलनाथ जी जनता के नेता हैं, हमारे आपके सभी के नेता हैं। तो ये वचन पत्र में अभी तक हमारे पास 5,000 से ऊपर लोगों का मत आया है, सभी ने ये कहा है इस तरह विधानसभा में कि हम कमलनाथ जी के साथ हैं और 2023 में करेरा से कांग्रेस का विधायक देंगे। हम करेरा के प्रति उत्तरदायी रहे, हम एक विधायक करेरा से देंगे, वो वहां हमारी सरकार बनाने में भूमिका निभाएगा। अब मैं आप लोगों के बीच में अपने रिटायर्ड एसडीओ साहब, आप जाटव समाज से हैं, यहां इनका कार्यकाल करेरा में लगभग 23 वर्षों से रहा, नरवर सब इंजीनियर रहे, करेरा सब इंजीनियर रहे, आपके नावली का डैम बनवाया, 2-3 साल के लिए चले नहीं गए, लौट के यहीं पर आ गए, 8-10 साल से करेरा में हैं, मैं इनके संपर्क में रहा, यहीं पर इनका प्रमोशन हुआ, एसडीओ बने और यहीं पर ये रिटायर हो गए। और ये पहले से कर्मचारी कांग्रेस में कार्यरत रहे हैं, प्योर कांग्रेस के विचारधारा के व्यक्ति हैं, इनके पिताजी सरपंच रहे, ये कांग्रेस ही विचारधारा के आज से नहीं है, पुश्तैनी है, पिताजी कांग्रेस में थे, इनकी माताजी सरपंच रही, कांग्रेस में थे। और आज जब रिटायर्ड हुए तो मेरे संपर्क में थे, सबसे पहले मुझसे कहा मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना है, मुझे जनता की सेवा करना है। मैंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से बिना कोई विलंब लगाए जनता की सेवा की है, प्रशासनिक स्तर पर की। मेरी इच्छा है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आकर जनता की सेवा करूं। इन्होंने मुझे एक बात बताई, एरिकेशन में रहे, इनको बहुत जानकारी है, इन्होंने बताया कि 1990 के बाद इस करेरा विधानसभा क्षेत्र में एक काम किसी भी विधायक का आप मुझे बता दो जो जनता के लिए हुआ हो। मैंने इनकी बात मानी, मैंने कहा आपने सत्य कहा, मैंने कहा आपका उद्देश्य क्या है? इनने कहा मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि विधायक बनने के बाद में कम से कम इतना तो कर जाओ कि लोग ये कहें कि उस विधायक ने ये किया है जनता के लिए। मैंने इनको पसंद किया, इनकी विचारधारा को पसंद किया, माननीय कमलनाथ जी से मिले और हमने आशीर्वाद लिया।
और आगे हम अपने उस पर चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच में अपने रिटायर्ड एसडीओ साहब, जिन्हें मैंने यहाँ मेरे ब्लॉक में जो राजीव गांधी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर नफरत की राजनीति को खत्म करके जो भारत जोड़ो यात्रा का उन्हें लक्ष्य लिया है उसको संचालित कर रहे हैं, उसमें यहाँ करेरा ग्रामीण में आप यात्रा के संयोजक हैं। मैं उन्हें उनसे कहूंगा वो अपनी तरफ से आप लोगों के बीच अपने विचार रखें। ये मंचीय कार्यक्रम नहीं है, ये चौपाल का कार्यक्रम है, सवाल जवाब का कार्यक्रम है। आप भी हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं।